ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी हुई थी 95-96 में, जिस तरह ये डिफेंस कमेटी को मैं खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, और विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मसले में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। विलेज डिफेंस कमेटीज़ 95-96 में इस देश के साबक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की क़्यादत और वसादत में बनी, और विलेज डिफेंस कमेटीज़ का बहुत नुमायाँ रोल रहा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को ख़त्म करने में। लेकिन विडम्बना ये है कि पिछले 4-5 सालों से विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेम्बर्स हैं वो रोड पर हैं, क्योंकि उनको ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है। आजकल सरकार ऐसा कह रही है कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ के जो SPOs हैं उनकी सैलरी को ही शेयर किया जाएगा रेस्ट ऑफ मेंबर्स में। तो हम ऐसा कहते हैं कि आप 18,001 SPO की सैलरी और 3 SPOs की सैलरी जो है वो 54,000 बनेगी, और 54,000 को जब आप 8 या 10 लोगों में तकसीम करेंगे तो उनकी टोटल सैलरी जो है वो 5 से 6 हज़ार में सीमित हो जाएगी। और 5-6 हज़ार से आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि घर का कारोबार चल सकता है, घर का निज़ाम चल सकता है, बच्चों की अच्छे से तालीम हो सकती है। सरकार से हमारा इतना सा मतालबा है कि VDC का मसला जो है बड़ा सेंसिटिव मसला है, लोगों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं अपने वतन के लिए, अपने समाज के डिफेंस के लिए, अपने गाँव के डिफेंस के लिए, अपने जम्मू कश्मीर को महफूज रखने के लिए VDC ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हम ऐसा कह रहे हैं कि सरकार को एक वन टाइम पॉलिसी फ्रेम करे, फाइनेंशियल पॉलिसी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स के लिए फ्रेम करे, ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। अगर आप SPOs की सैलरी को तकसीम करेंगे बाकी लोगों के बीच में, तो वो लोग जाहिर बात है कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। कोर्ट का रास्ता जब अख्तियार करेंगे तो मसला जूं का तूं रहेगा। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाएगा तो उससे विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेम्बरान का मसला जो है वो हल नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि सरकार इसमें नया क्या कर रही है कि आप उसी सैलरी को डिवाइड कर रहे हैं? आपने नया क्या, किस मछली के आंख में तीर मार लिया है? आप कुछ ऐसा करें, आपने प्रॉमिस किए हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी सैलरी 18,000 ही रह जाए। आप SPOs की सैलरी को और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ताकि जब सैलरी बढ़ जाएगी तीनों SPOs की तो फिर उनको 15-15, 16-16 हज़ार रुपया मिलेगा। अदरवाइज़ हालात और वाकत बदलेंगे।